नमस्कार, मैं बना रही हूँ मटर पनीर। इसके लिए ये सामग्री है, देख लीजिए। पनीर है 200 ग्राम, मटर एक कटोरी, एक टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और मसाले में जीरा, धनिया, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, हल्दी, थोड़ा सा काला नमक है और ये तेल है, सरसों का हींग, नमक लगेगा। और इसके लिए अगर आप चाहें तो इसे देसी घी बटर में भी बना सकते हैं, और मैं बना रही हूँ सरसों के तेल में। हम खड़े मसाले लिए हैं, आप चाहें तो इसे पाउडर भी ले सकते हैं। इसको हम मिक्सी में पीसने जा रहे हैं। खड़े मसाले, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च जो हमने मसाले में दिखाए थे, सब एक साथ पीस देंगे जार में। मसाले पीस गए हैं। एक जो खड़े टमाटर थे उसको हमने पीस दिए हैं। देखिए, टमाटर को पीस दिए हैं और टमाटर मसाला सब एक साथ भी पीस सकते हैं, क्योंकि मिक्सी छोटी जार इसकी छोटी थी, इसलिए हमने टमाटर को अलग पीसा है। अगर आपकी जार बड़ी है तो आप एक साथ ही मसाले के साथ टमाटर पीस सकते हैं। अब आ गए हम गैस की तरफ, पैन चढ़ाए हैं। अब पैन में सरसों तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं हींग। हींग को लाल होने पर इसे हम छोटे छोटे पनीर करके फ्राई कर देंगे। पनीर फ्राई हो गया है, अब इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। इसमें दो छोटी इलायची डाल के फ्राई करने के बाद अब इसमें ये जीरा डाल देंगे। हींग पहले से पड़ा हुआ है, इसमें हींग डालने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम डालते हैं मटर। मटर डालने के एक मिनट भूनने के बाद मसाले को डाल देंगे। मसाले, जो पीसे हुए टमाटर थे, सब एक साथ ही हम इसमें डाल देंगे। सारे मसालों को एक साथ डालकर भून देंगे। इसी समय नमक, स्वाद अनुसार नमक, और जो काला नमक हम इसी समय डाल देंगे हल्का सा, बिल्कुल दो चुटकी, और इसे हम बचा लेंगे। ये 2 मिनट में भून जाएगा, इसे ढककर भून देंगे। मसाले को 2 मिनट भूनने के बाद मैं दिखाती हूँ।
देखिए मसाला भुन गया है और ये तेल छोड़ दिया है। मसाला भुनने के बाद इसमें पानी अपने अंदाज से हम आधा ग्लास पानी डाले हैं। यहाँ पर ग्रेवी अपने हिसाब से बनाई जा सकती है, पतली गाढ़ी। देखिए हम पानी डाल दिए हैं, इतनी है। देखिए इतनी गाढ़ी बना रहे हैं हम। आप अपने हिसाब से पानी डालिए जितना आपको खाना है, पतला गाढ़ा। इसे 2 मिनट उबालने के बाद अभी हम ढक दे रहे हैं। दो मिनट हो गया है, ये पक गया है। इसी समय हम इसमें पनीर डाल देंगे। पनीर डालकर 2 मिनट पकने देंगे। इसी समय लाल मिर्च, देगी मिर्च आप डाल सकते हैं। सब्जी बनकर तैयार है। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च, हरी धनिया भूल गई थी। गैस को करते हैं बंद। देखिए हम इसमें निकाल रहे हैं। देखिए ये मटर पनीर तैयार है, गर्मा गर्म, बहुत स्वादिष्ट है। आप लोग खाइए रोटी के संग, चावल के संग, पराठे के संग। और मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में।